हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रुपेश और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग टिप्स पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है और पूरा देखिए वीडियो को। शुरू के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो वीडियो होने वाला है या टाइटल में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको दिख गया होगा कि अपना जो पूरा वीडियो है वो सिरोही और गुजरी के बकरों के ऊपर है जो कि 2024 की कुर्बानी आएगी उसके लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी के बकरे अवेलेबल है। इनका बॉडी वेट आप देख सकते हैं 30 किलो 35 किलो 40 किलो 50 किलो 55 किलो तक के बकरे हैं अपने पास। और इनकी जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया में आप जहाँ कहीं से भी हो आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी के अंदर बकरे हैं, सभी फिलहाल में अदंत बकरे हैं। दो तीन बकरे हैं जो दांत में हो गए, दो दांत पे, बाकी मोस्टली जो अदंत बकरे हैं। और आपको मिल जाएंगे इसके अंदर कस्सी बकरे चाहिए तो कस्सी मिल जाएंगे, अंडू चाहिए तो अंडू मिल जाएंगे। दोनों के रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी दोनों टाइप के बकरे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आज जहाँ कहीं से भी हो आप तुरंत कॉन्टेक्ट करें, नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी नंबर आपको प्लेस हो रहा होगा तो वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया क्वालिटी के बकरे हैं, बहुत शानदार क्वालिटी के बकरे हैं। बकरों का बॉडी वेट आपको बता दिया है, अपना जो एड्रेस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा। और इनके जो ट्रांसपोर्ट की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जो फार्म से राजस्थान अजमेर से अगर आपको 10-15 पीस चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको कम पीस भी चाहिए तो एक बार आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि अगर नॉर्मल अगर जहाँ तक हो सकता है ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो हम बिल्कुल करवा के देंगे आपको। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी के बकरे हैं सभी, दो दो टपन दिखा रहे हैं आपको आज, दोनों ही बहुत शानदार क्वालिटी के और कुर्बानी के लिए। एक थोड़े हेवी वेट वाले बकरे हैं, पहले आपको दिखाई जो नॉर्मल वेट के बकरे हैं, अभी थोड़े हेवी वेट के बकरे। तो जैसे भी आपको चाहिए, अगर आप कुर्बानी के बकरे लेते हो 35 किलो से स्टार्ट होकर 30-35 किलो से स्टार्ट होकर 80-90-100 किलो तक के बकरे आपको चाहिए तो वो भी उपलब्ध मिल जाएंगे। सभी बकरे मिलेंगे, चाहे आप अंडू चाहिए तो अंडू मिल जाएंगे और कस्सी चाहिए तो कस्सी मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको बड़ी फीमेल चाहिए फार्मिंग के लिए या फिर छोटे बच्चे चाहिए नेक्स्ट ईद के लिए या फिर छोटे बच्चे चाहिए फीमेल के अंदर, चाहे वो सिरोही में हो चाहे सोजत में, कोटा, विट्टल, तोतापुरी, जमुनापुरी और बरबरी, ये सभी ब्रीड में अपन काम करते हैं। तो कोई सी भी ब्रीड में आपको चाहिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको सभी ब्रीड का वैसे वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनली अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो और सभी डिटेल जो रहेगी इनका रेट वगैरह वेट वगैरह वो सब आपको मिल जाएगा देखने को। और अपना जो फार्म का एड्रेस है वो अब मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, अपना जो फार्म का एड्रेस है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में है, अजमेर रेलवे स्टेशन से मात्र और मात्र 12 किलोमीटर और बस स्टेशन से मात्र और मात्र 10 किलोमीटर। इनका जो बॉडी वेट है वो देख सकते हैं आप, सिरोही की जो खासियत होती है बॉडी वेट की वो इन बकरों के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि सिरोही का बॉडी वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और अच्छा खासा बॉडी वेट सिरोही का बकरे जो पकड़ देते हैं। यह बकरे अगर आप इस साइज़ के बकरे लोगे तो कुर्बानी पर यह सभी बकरे 100 किलो प्लस जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन वही है कि आपको ध्यान उस तरीके से रखना है कि जैसे अगर कुर्बानी के बकरे पाल रहे हो तो उसकी खिलाई पिलाई, वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ टाइम पर टाइम होनी चाहिए, तभी बकरा ग्रोथ करता है। बहुत से लोग हैं जो बकरे लेके जाते हैं फिर बोलते हैं कुर्बानी पर कि भैया हमारे बकरे का वेट नहीं बढ़ा, बकरा जैसे लेके आए उससे थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया है, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भले आप अगर 50 की आपकी कैपेसिटी है आप 40 बकरे लीजिए, लेकिन 40 बकरों को अच्छे से खिलाइए, अच्छे से पिलाइए और उनका जो वैक्सीनेशन है वो भी टाइम टू टाइम करें। आप ज़्यादा क्वान्टिटी पर नहीं ज़्यादा क्वालिटी पर देखिए, क्योंकि अगर क्वालिटी रहेगी तो 40 बकरे आपको 50 बकरों से ज़्यादा मुनाफा दे देंगे, और अगर क्वालिटी और अगर आप अच्छी तरीके से खिलाई पिलाई उनकी नहीं करोगे तो 50 बकरे भी किसी काम के नहीं हैं। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पे आप काम कीजिए, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी लेके जाओगे और अच्छा खासा खिलाओगे पिलाओगे तो वो कम बकरे भी आपको अच्छा मुनाफा निकाल के दे सकते हैं। ज़्यादा वैसी बात नहीं है कि मेरे को 100 बकरे पालने, 100 की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे 50 बकरे पालें लेकिन उनको अच्छा खासा खिलाई पिलाई, अच्छे खासे उनकी ग्रोथ करें, तब वो जाके आपको इस गोट फार्मिंग का जो बिज़नेस है उसके अंदर मुनाफा मिलेगा, नहीं तो फिर आपको कोई मुनाफा नहीं मिलेगा चाहे कोई कितना भी कर ले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी बकरे आपको दिखाई दे दिए वैसे तो, फिर भी मैं आपको एक दो बार पूरे बकरों को अलग से वीडियो बना लूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप इसको समझ सकें।
बॉडी वेट भी बहुत बढ़िया है बकरों का, और इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है बकरों की। क्योंकि बकरे का जो मेन होता है कि बकरे कैसे बढ़ेंगे, तो बकरों का अगर शुरू से अच्छा खासा खिलाई पिलाई हो तो ही वही बकरे आगे जाके अच्छा खासा बनते हैं। नहीं तो अगर शुरू में अगर बकरों को सही नहीं खिलाएंगे तो फिर बाद में आप चाहे कितना भी खिला दो, उसका पेट भर जाएगा लेकिन उसका बॉडी वेट में वो गेन नहीं करेगा जितना अगर शुरू में जो खिलाई पिलाए बकरा वो करेगा। जितना अगर नहीं खिलाई पिलाया बकरा रहेगा वो उतना ग्रोथ कभी नहीं करेगा। तो सब कुछ देखना पड़ता है। अगर कुर्बानी का बकरे पाल रहे हो और पहले से पाल रहे हो तो आपको सब कुछ मालूम होगा कि भाई बकरों के अंदर क्या क्या खासियत होती है, कौन सा बकरा बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा, सब कुछ आप उसी पर डिपेंड करता है। ये थोड़े हैवी वेट बकरे हैं जो आगे जाके कुर्बानी पर हैवी वेट पकड़ेंगे, लेकिन हमारे पास नॉर्मल जो भी आपको बकरे चाहिए 35 किलो प्लस के भी चाहिए, 35 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप पाल सकते हैं। लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने का बकरा कम से कम 30 किलो का होना चाहिए, 30 किलो 35 किलो का, तो वही बकरा आगे जाके अच्छी हाइट पकड़ेगा, अच्छा वजन पकड़ेगा। नहीं तो फिर अगर 12 महीने का बकरा अगर आपका 30-35 किलो का है तो फिर वो इतना कोई ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि बढ़ना होता है शुरू में ही बढ़ जाता है बकरा, आगे जाके तो सिर्फ उसको उसी ग्रोथ पर वो चल सकता है, ठीक है, वो नई ग्रोथ नहीं पकड़ सकता आगे जाके। अगर एक साल का बकरा अगर अभी 60 किलो का है तो वो आगे जाके ग्रोथ कर सकता है, अगर वो 2 साल का होता है तो 100 किलो प्लस वेट गेन कर लेगा, लेकिन एक साल का बकरा अगर अभी 40 किलो का है या फिर 30 किलो का है तो वो कितना भी आप खिलाओ पिलाओ उसका जो ग्रोथ है उसी हिसाब से आएगी। वो एक साल और भी रखोगे आप तो अभी उसका वेट 55-60 किलो होने वाला है, इससे कोई ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आप बकरे ख़रीदते हो तो कम एज के बकरे ज़्यादा वेट में चाहिए, वही होता है जो क्वालिटी का डिफरेंस होता है। अगर आप कम एज के बकरे ज़्यादा वजन में लेते हो तो वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी आगे जाके भी, लेकिन उसकी खिलाई पिलाई भी वैसी होनी चाहिए जैसी नॉर्मल बकरों की होती है, उससे थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो आगे जाके अच्छा ग्रोथ दे, आपको अच्छा मुनाफा दे। तो वैसे सब बकरे शूट हो गए वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, नमस्कार।